आज दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 76,457 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 23,265 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार का हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। मेरा सवाल आपसे वही है कि सेंसेक्स आज 33 अंक गिरा है और निफ्टी में 6 अंकों की मामूली बढ़त है, आज के बाजार पर क्या बताएंगे आप हमारे निवेशकों को? आज शुरुआत करने के लिए भारतीय बाजारों के लिए संकेत बेहद जबरदस्त। पहला, कल देर शाम जो मंत्रियों के विभागों की घोषणा हुई वो बिल्कुल वैसी की वैसी जो पिछले सरकार में थे। इसका मतलब बाजार को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि पॉलिसी की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो नई सरकार में भी बनी रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, सहयोगी दलों की तरफ से कोई ऐसी मिनिस्ट्री की बड़ी डिमांड या ऐसा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रालय ऐसा नहीं था जो उनके सहयोगियों के पास जाए, वो दूसरी बढ़िया चीज़ थी। तीसरी बात आई ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका में छोटे दायरे में से लेकिन मजबूती के साथ कारोबार, और कल देर रात अमेरिका में नैस्डेक और S&P 500 दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया क्लोजिंग बेसिस पे, वो एक अच्छा संकेत था। इसके अलावा FIs और लोकल फंड्स दोनों ने कल कैश मार्केट में खरीदारी भी की और थोड़ी बहुत वायदा कारोबार में भी। तकनीकी तौर पर लाइफ हाई पर कल हमारे बाजार पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है मजबूत तो है ही। इन सारे संकेतों के बीच में आज शुरुआत करने के लिए संकेत बहुत अच्छे थे, लेकिन खुले एकदम सुस्त, बिल्कुल कली के लेवल के आसपास खुले। फिर थोड़ी सी छोटी सी रेंज में इधर उधर कारोबार किया। दिन के दौरान एक डिप आई 23,200 के आसपास, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, और वहां पर आते ही जो खरीदारी हुई और बाजार घूम गया 23,400 तक पहुंचा, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज रही पिछले दो सेशन की तरह। आज भी सेम 23,400 के पास पहुंचते ही आखिरी आधे पौन घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आई, सारी बढ़त गंवा दी और एकदम शांत बंद होते दिखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंघवी जी इस पूरी जानकारी के लिए। Z News।